हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि कुछ दिन पहले एसएससी जीडी का फॉर्म आया था, उसका एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी सीआरपीएफ का वैकेंसी था। और अब नया से एक सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट का, जो सीआरपीएफ कांस्टेबल है, उसका वैकेंसी आया फ्रेंड्स। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल में इस बार बम्पर भर्ती निकला है फ्रेंड्स, लगभग 1.30 यानी 1,30,000 पदों पे नियुक्ति निकली है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो पेपर में आया है वो क्या है। उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर पेपर कटिंग्स है। यहाँ दिया हुआ है सीआरपीएफ में 1.30 लाख कांस्टेबल भर्ती होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। नई दिल्ली एजेंसी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में 1.30 लाख सिपाही जनरल ड्यूटी की भर्ती होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बाबत नोटिस जारी किया है। सीआरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगी। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। हालांकि अभी आवेदन शुरू होने और ख़त्म होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सिपाही के कुल 1,29,929 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से 4,667 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है। उम्मीदवारों का मैट्रिक पास होना जरूरी है। उम्र 18 से 23 साल के बीच होने चाहिए। ये पद ग्रुप सी के हैं। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और मेडिकल जांच से होगा। भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि नोटिस में साफ साफ कहा है कि 1.3 लाख सिपाही का भर्ती होगा। और जो अग्निवीर है, जो पिछले साल नए भर्ती किए गए थे, उनको 10% आरक्षण मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी भर्ती है फ्रेंड्स, 1,30,000। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी आई है सीआरपीएफ की इतनी बड़ी भर्ती। तो अभी जैसे कि आप जानते ही हैं कि सरकार मिशन मोड में है, क्योंकि अगले साल चुनाव है मार्च अप्रैल में। तो सरकार भी चाहती है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी दे सके, ताकि लोगों का उनके तरफ रुझान है, क्योंकि पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी वो नहीं दे पाए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस नोटिस को देख लीजिएगा। और हम लोग देखते हैं कि जो नोटिस है वो कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप ये नोटिस देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। तो यहाँ पर तो सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट पेज है फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने हर चीज़ क्लैरिफाई किया। यहाँ पर देखिए, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, जिसका नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1,29,000 है, जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का भी दे दिया गया है। लेवल 3 का पोस्ट है और ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है ये। तो आप यहाँ पर एज लिमिट ये सब यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये सब भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, एक बार नोटिस को देख लीजिएगा बढ़िया से। और चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।